प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को आज के सायंकालीन सत्र में नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान चर्चा में बीएससी भाग प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना। आज का जो शीर्षक है इसको मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना। उक्त विषय बीएससी भाग प्रथम के प्रश्न पत्र तृतीय से भौतिक रसायन विषय से इकाई पंचम के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना, उसी क्रम में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, अपना व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। अगला वाला जो भाग है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना, आज का विषय बहुत ही अहम है, क्योंकि आज का जो विषय है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से जुड़ी हुई बल गतिकी से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिग्रहितों का अध्ययन करना। उक्त विषय पर आधारित बीएससी भाग प्रथम के विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के साथ साथ उक्त विषय पर आधारित विभिन्न प्रकार के सामान्य ज्ञान, विज्ञान से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न, विभिन्न प्रकार की इंजीनियरिंग और मेडिकल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उक्त विषय पर आधारित सवाल और प्रश्न पूछे जाते हैं। आज का जो विषय है जिसकी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना, पूर्व की भांति जिस प्रकार से हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करना था, किया था, उसी बिंदुओं पर, उन्हीं अभिग्रहितों पर आधारित हम आज द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले वो प्रमुख अभिग्रहित और बिंदु मैं आप सभी के सम्मुख दोहरा देना चाहता हूँ जिस पर किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए बल गतिकी का अध्ययन किया जाता है। उनमें पहला वाला जो प्रमुख अभिग्रहित बिंदु था वो वेग नियम को उत्पन्न करना था। प्रथम प्रकार के जो अभिग्रहित में वेग नियम या वेग समीकरण की जो उत्पत्ति की जाती है वो अवकलित और समाकलित प्रारूपों में प्रकारों के आधार पर जो है वेग नियम अथवा वेग समीकरण की उत्पत्ति की जाती है। वेग नियम अथवा वेग समीकरण दोनों एक ही प्रकार की राशियाँ, एक ही प्रकार के पद है। अगला वाला जो अभिग्रहिता बल गतिकी में जिसको समावेशित किया गया, सम्मिलित किया गया है वो आलय की निरूपण से संबंधित होता है, आलय की निरूपण से संबंधता दर्शाता है। इसमें समाकलित वेग समीकरण को सरल रखा गया, समीकरण y बराबर mx प्लस c के रूप में तुलना की जाती है और तत्पश्चात y बराबर और x बराबर दो अलग अलग एक्सिस और y एक्सिस अक्षांकों के अनुसार आलय के निरूपण को निरूपित किया जाता है। उसके उपरांत अगला वाला जो अभिग्रहित था वो अर्धदैव काल का मान परिकलित करना होता है। तो उक्त तीन प्रमुख अभिग्रहित थे जिसके आधार पर किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इन महत्वपूर्ण अभिग्रहितों बिंदुओं के आधार पर बल गतिकी को समझाया जाता है। आइए आप सबसे पहले हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का पहला वाला जो हम जो इसका जो इसका प्रमुख वाला जो इसका जो अभिग्रहित है उसी के आधार पर वेग नियम अथवा वेग समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ हमारे पास में जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, प्रिय विद्यार्थी, द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया होती है ये दो प्रकार की होती है। ऐसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जब जिसमें दोनों क्रियाकारक समान हो अथवा क्रियाकारकों की सांद्रताएं समान रूप से प्रेक्षित की जाए, ली जाए। इसको जो है हमने केस जो है परिस्थिति प्रथम में जो है हमने इसको जो लिया है, हमने लिखा है जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता है समान हो, ये पहले वाली परिस्थिति है, पहला वाला जो केस है। और ये केस प्रथम जो है ये भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है, दर्शाता है। इसके साथ ही द्वितीय है जब दोनों क्रियाकारक अलग अलग प्रकृति के हों या दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता भिन्न भिन्न प्रकृति की हों, ऐसी स्थिति में जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएँ भी प्रयोग में ली जाती है।
सबसे पहले जो है दो परिस्थितियों में पहले वाले जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है जब दोनों क्रिया कारकों की सांद्रता है समान है। क्योंकि विद्यार्थी हो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वही पूर्व की भांति पहला वाला जो हमारा अभिगृहित है उसी को आधार मान करके उसी के आधार पर जो है हम वेग नियम या वेग समीकरण की उत्पत्ति करेंगे। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए हमारे पास में पुनः मैं आप हमारा जो आज के जो विशेष को पुनः दोहरा देना चाहता हूँ केस प्रथम और केस द्वितीय जो है जिसमें द्वितीय कोटि को प्रयोग में लिया जाता है आवश्यक अवकलित समाकलित वेग समीकरण को उत्पन्न किया जाता है। इसमें जो है दो प्रकार से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया संपन्न होती है जब दोनों क्रियाकारक समान हो अथवा दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता समान प्रयोग में ली जाए वो प्रथम परिस्थिति को केस प्रथम को निरूपित करता है। इसके अलावा जो द्वितीय प्रकार की जो अभिक्रिया है वो द्वितीय प्रकार की अभिक्रिया है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है वो प्रयोग में ली जाती है जो जिनमें प्रारंभ में लिए गए क्रियाकारक जो अलग अलग प्रकृति के हों अथवा उनकी सांद्रताओं के मान जो है अलग अलग जो प्रयोग में लिया जाए। आइए सबसे पहले हम जो है जब दोनों क्रियाकारक समान हो अथवा समान प्रकृति के हो ऐसी स्थिति में हम जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया से संबंधित आवश्यक वेग नियम अथवा वेग समीकरण को उत्पन्न करते हैं। पूर्व की बात ही पहला वाला जो है अभिगृहित लिया है मैंने यहाँ पर प्रमुख अभिगृहित पहला वाला लिखा है वेग नियम की उत्पत्ति। तो वेग नियम की उत्पत्ति पूर्व की बात ही दो प्रकार से अवकलित और समाकलित जो है वेग समीकरण अथवा वेग नियमों के आधार पर हम इसको उत्पन्न करेंगे और मैंने यहाँ पर श्याम पट्ट पर जो है शर्त के मुताबिक शर्त के अनुसार जब दोनों क्रियाकारक जो है समान प्रकृति के हों देखिए आप यहाँ पर जब दोनों क्रियाकारक समान हैं और सांद्रता भी समान है ए प्लस ए और क्योंकि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया ऐसी स्थिति में उत्क्रमणीय चिन्ह के ऊपर ये जरूरी होता है ये आवश्यक होता है उसको के टू द्वितीय कोटि वेग स्थिरांक के माध्यम से उसको प्रदर्शित करना उसको दर्शाना। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ए प्लस ए ऊपर लिखा है मैंने के टू और यहाँ पर हो जाएगा ये क्रियाफल दो प्रकार के अलग अलग समयों के मध्य टी बराबर शून्य और टी बराबर टी के संगत इन रासायनिक प्रगति रासायनिक अभिक्रिया की प्रगति का प्रगतिकी का अध्ययन किया जाता है रासायनिक बल गतिकी को प्रगति को जो रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप देखेंगे टी बराबर शून्य पर प्रारंभ में शर्त के मुताबिक जब दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता है समान हो अथवा दोनों क्रियाकारक समान हो तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि टी बराबर शून्य के ए जो पहला वाला जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता को हमने ए मोल पर लीटर के रूप में प्रयोग में लिया है अगला वाला जो क्रियाकारक है उसकी सांद्रता को ए मोल पर लीटर के रूप में प्रयोग में लिया है दोनों सांद्रताएँ प्रिय विद्यार्थियों समान है। और आप देखेंगे जब टी बराबर प्रारंभिक समय पर जब सांद्रता के मानों को प्रेक्षित करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको जानना जरूरी है कि क्रियाफल अथवा उत्पाद की सांद्रता शून्य प्रेक्षित की जाती है अर्थात क्रियाफल अथवा उत्पाद की कोई भी जो मात्रा जो है वो उसका निर्माण नहीं होता वो निर्मित नहीं होता या क्रियाफल नहीं बनता है। अब आइए अगला वाला जो हमारे पास में जो समय है तात्संग समय टी बराबर टी के संगत जो है आप देखेंगे पहले वाले में से एक्स व्यंजन की मात्रा के रूप में जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और अगला वाला जो ए मोल था उसमें से एक्स रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भाग लेता है। आप देखेंगे एक्स यहाँ से निकलेगा एक्स यहाँ से व्यंजन की मात्रा निकलेगी तुल्य मात्रा में आप देखेंगे अगला वाला जो क्रियाफल है इसकी देखेंगे दो मोल जो एक्स जो है उसका उत्पाद के रूप में जो निर्माण होता है उसके बाद में आप अगले वाला जो पद आइए अगले वाले पद में जो आप क्या करेंगे सक्रिय द्रव्यमान का नियम आप यहाँ पर लागू करेंगे गुणवर्ग मार्गीय का नियम यहाँ पर लागू करेंगे। प्राय विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए सक्रिय द्रव्यमान का नियम किस तरह से होगा किस तरह से प्रदर्शित किया जाता है ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों के मस्तिष्क में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है एक मुझे एक जटिल समस्या का जो है उसका सामना करना पड़ता है उनको जटिल समस्या का सामना करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थी से बहुत सरल सा आप लोगों को जवाब होगा आप देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया का वेग a-x से a- सांद्रता है तो आप देखेंगे यहां पर जो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है तो डबल सांद्रता तात्क्षणिक समय t बराबर t के संगत प्रेक्षित करना होता है और यहां पर a-x जो है दो सांद्रता है तात्क्षणिक समय पर इसमें से आप देखेंगे एक सांद्रता का मान जो है यहां पर लिखेंगे और अगला वाला जो ठीक मेरे दाएं तरफ है यहां पर देखेंगे आप डबल सांद्रता लिखेंगे और यहां पर उसमें से एक लिखेंगे और बाकी जो क्रियाकारक के रूप में जो है इसको ऋणात्मक चिन्ह के रूप में इसको दर्शाया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है ए और एक क्रियाकारक है तो सांद्रता का मान घटेगा इसको ऋणात्मक चिन्ह के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो माइनस का d / dt a-x समानुपाती करेंगे यहाँ पर a-x डबल लिखेंगे
दूरी प्रकृति के अनुसार लिखेंगे, दूरी मात्रा के अनुसार लिखेंगे, और यहाँ पर एम एस एक्स क्या करेंगे, एक प्रकार से लिखेंगे, इसको समानुपाती के रूप में एम एस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस डी बाई डी टी एम एस एक्स, आप फिर से देखिए एम एस एक्स जो है मतलब दो बार लिखा है, और यहाँ पर जो है एम एस एक्स जो है एक बार ही लिखा है। तो ये गुडबर्ग और वागे के नियम अनुसार, सक्रिय द्रव्यमान के नियम अनुसार वेग नियम को परिकलित करने का, उत्पन्न करने का बहुत ही आसान सा तरीका होता है कि प्राय विद्यार्थी कभी तो दो यहाँ पर लिखते हैं या दो यहाँ पर लिख, यहाँ पर जो है तीन घर लगा देंगे, यहाँ पर डबल लगा देंगे, या डी बाई डी टी को वो सही तरीके से जो है उस व्यंजक के रूप में जो है वो समावेशित नहीं कर पाते, और कुल मिलाकर के अंत में उनका समाकलित व्यक्त समीकरण जो है वो गड़बड़ा जाता है, या सही समाकल व्यक्त समीकरण जो उत्पन्न नहीं कर पाते। तो इसका बहुत ही सरल सा आधार है, चाहे प्रथम कोटि का हो, द्वितीय कोटि का हो, तृतीय कोटि का हो, तो तृतीय कोटि का हो तो तीन बार ए माइनस एक्स लिखेंगे, उसमें से ए माइनस एक्स को माइनस डी अपॉन डी टी के साथ में जो है युग्मित कर देंगे, संयुग्मित कर देंगे, संलग्न कर देंगे, तत्पश्चात एक सामान्य जो प्रक्रिया है क्रियाकारकों के लिए ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी एम एस समानुपाती एम एस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेंगे माइनस डी अपॉन डी टी एम एस एक्स, किसी भी समानुपाती को हटाने के लिए किसी भी स्थान की हमें आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत पड़ती है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई दो राय नहीं, हम यहाँ पर जो वेग स्थान के टू के रूप में प्रयोग में लेंगे, तो यहाँ पर के टू जो है द्वितीय कोटि के भी क्रिया है, तो उसी से संबंध इस वेग स्थान को हम सुपरिभाषित करेंगे, द्वितीय कोटि वेग स्थान के लगेगा के टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस डी अपॉन डी टी ए माइनस के एक्स हो जाएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी माइनस माइनस प्लस डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, अंतर की तरफ जो है माइनस डी अपॉन डी टी को जो हम प्रवेशित करेंगे गुणा करेंगे, और यहाँ पर जो है ए माइनस एक्स एक घात यहाँ पर भी है और ए माइनस एक्स का घात यहाँ पर भी है, तो ये हो जाएगा के टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर। और आप देखेंगे किसी भी स्थिरांक राशि का जो अवकलन होता है वह शून्य होता है। अगला वाला हमारे पास में राशि जो शेष जो बचती है वो डेक्स बाय डी टी होती है, और आराम से इसको शनि शनि हम इसको हल करते हैं, तो बराबर के टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और डेक्स बाय डी टी बराबर के टू ए माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा है डी आर ई, डी का मतलब डिफरेंशियल, आर का मतलब रेट, ई का मतलब होता है इक्वेशन, अर्थात वाली वाला जो उपलब्धि हमें द्वितीय कोटि के रूप में मिलती है पूर्ववर्ती प्रथम कोटि शून्य कोटि की भांति, तो ये वाला जो हमारे पास में समीकरण कहलाएगा ये अवकलित वेग समीकरण कहलाएगा। पहला वाला जो हमारे पास में जो उपलब्धि है वेग समीकरण की वो अवकलित रूप में हमने जो इसको उत्पन्न किया है, आइए इसको समाकलित रूप में हम जो है इसको परिकलित करना चाहते हैं, उत्पन्न करना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ये यहाँ पर जो है इसको मैंने यहाँ पर जो डेक्स बराबर डी टी बराबर के टू एम एस एक्स को इसको हमने व्यवस्थित करके उसको अगला वाला समीकरण नंबर दो नाम दिया है, डेक्स अपन एम एस एक्स के स्क्वायर बराबर के टू डी टी हो जाएगा, इसको समीकरण नंबर दो बोलेंगे। अब आप देखिए इसमें हम समाकलन की प्रक्रिया हम इसमें आरोपित कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन डेक्स अपन एम एस एक्स का स्क्वायर बराबर हो जाएगा के टू इंटू डी टी के हो जाएगा, और इसको हम हल करेंगे, ये देखिए एम एस एक्स इसकी पावर माइनस टू प्लस वन हो जाएगा, आप देखेंगे माइनस टू प्लस वन की एन प्लस वन और एन प्लस वन के हिसाब से इसका जो हो जाएगा शून्य होगा, और इसका जो होगा वो माइनस वन इसका हल के रूप में। समाकलन की प्रक्रिया गणितीय प्रक्रिया के अनुसार हमें ये व्यंजक प्राप्त होगा, आगे देखेंगे बराबर, और हमारे पास में समाकलन क्या है डी टी है, समाकलन डी टी का टी प्राप्त हो जाएगा, और दोनों समाकलन जब हटाते हैं तो हटाने के उपरांत में हमें एक नया वाला स्थिरांक प्राप्त होता है, उसको कहा जाता है समाकलन स्थिरांक, और इसको हम सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर इसको जो है समीकरण नंबर जो है आप देखेंगे इसको ये दो है, तो इसको क्या करेंगे हम ट्वाइस ए के रूप में हम इसमें प्रदर्शित करते हैं, ये ऊपर दो हो गया, नीचे वाला जो है दो एक के द्वारा हम इसका प्रदर्शित करते हैं। और अब आप देखिए फिर से जो है समाकलन की प्रक्रिया के अनुसार जो डेक्स अपॉन एम एस एक्स का स्क्वायर है इसको एन प्लस वन और एन प्लस वन की प्रक्रिया इसका शून्य हो जाएगा, और इसका जो है समाकलन की प्रक्रिया के अनुसार जो है इसका शून्य हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा अवकलन के रूप में जो है ऋणात्मक एक के रूप में इसको प्रयोग में लिया जाता है, और हमारे पास में के टू टी दोनों समाकलन को हटाने पर हमें एक नया स्थिरांक देखने को मिलता है, और ये कहलाएगा समाकलन स्थिरांक सी, और इसको नया नाम दिया दो ए।
इस तरह का मान निकालने के लिए हम पी बराबर शून्य पर एक्स बराबर शून्य इस सेकेंड समीकरण नंबर जो है आप देखेंगे इस दो एम ए जो है हम इसको रखते हैं, यहाँ रखने के उपरांत में हमें प्राप्त होता है यहाँ पर देखेंगे ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास में सी बराबर जो है एक बटा ए प्राप्त हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। और तीन का मान हम समीकरण नंबर दो में रखेंगे तो हमें एक अगला वाला जो एक्स समीकरण वन अपॉन ए माइनस सिक्स बराबर के टू टी प्लस वन अपॉन ए के रूप में प्राप्त होगा। उस समीकरण नंबर जो है चार है के टू बराबर इसको हम का हल करेंगे या सोल्व करेंगे तो के टू बराबर टी पक्षांतर करेंगे तो ऐसी स्थिति में के टू टी हमारे वन अपॉन ए माइनस सिक्स माइनस वन अपॉन ए होगा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास में द्वितीय उपलब्धि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकल वेग समीकरण के रूप में महत्वपूर्ण वेग समीकरण प्राप्त होता है। यही मानक समाकल वेग समीकरण है के टू बराबर वन अपॉन टी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स समीकरण नंबर पाँच। जबकि दोनों क्रियाकारक जो है समान सांद्रता के रूप में अथवा समान प्रकृति के प्रयोग में लिए जाए ऐसी स्थिति में वांछित यथार्थ सही मानक वेग समीकरण समाकलित के रूप में समीकरण नंबर हमें पाँच प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों फिलहाल इतना ही। समीकरण नंबर पाँच बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में वेग नियम और वेग समीकरण हमने समाकलित वेग समीकरण द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए केस प्रथम में जबकि दोनों क्रियाकारक समान प्रकृति के हों आज हमने समीकरण नंबर पाँच को उत्पन्न किया था। समीकरण नंबर पाँच के आधार पर संपूर्ण द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं की बल गति की क्रियाकारकों क्रियाफलों की संरचनाओं क्रियाविधि सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन उक्त तमाम जानकारी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए समीकरण नंबर पाँच के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और आने वाले समय में इसका अगला वाला जो भाग है जो इसको मैं श्याम पट्ट पर भी लिखवा हमने लिखा है अंकित किया है अर्ध काल का मान का परिकलन करना। उक्त विषय आने वाले दिनों में आने वाले समय में हम कक्षा कक्ष में इस नए विषय के साथ नए शीर्षक के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल आप रखिए अपना ख्याल मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद आभार और नमस्कार।